नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह दैनिक समाचार से, पीएचई डेली वेजर। आपसे पहले हम आपको लाइव दिखा रहे थे, तस्वीरें दिखा रहे थे बीसी रोड से, लेकिन अब ये कंपनी बाग में इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें देखें आप, कितने सारे डेली वेजर जो है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं और इनकी क्या रणनीति है, क्या है, लेकिन इनसे जो बातचीत की है, इनको ऐसा लगता है कि इनके साथ छल कपट किया गया, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इनसे जानने की भी कोशिश करेंगे आखिर क्या क्या वजह है। एलजी सरकार, एलजी सरकार, एलजी सरकार, इस जुल्म जबर की चक्की में एलजी साहब एक काम करो। अच्छा, होशियार सिंह जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। एलजी साहब एक काम, लाइटिंग ठीक है कि चेंज करें? अच्छा होशियार जी, थोड़ी सी जानकारी दें कि को रणनीति में बदलाव किया आपने प्रदर्शन की? मजबूरी है, प्रशासन हमें मजबूर करता है, इसलिए हम कोई ना कोई नया हथकंडा, नया ड्रामा, नई तकनीक प्रशासन ने हमें 30 साल से सिखाया है धोखा करना। पहले हमारे साथ डिस्कशन होती है, मुद्दों में बात होती है, फिर समय मांगा जाता है, फिर वो भूल जाते हैं। हमने भी आज पहले प्लानिंग की, फिर उधर बैठे, फिर उधर बाद पुलिस की तारबंदी हुई, फिर हम इधर आ गए। ये प्रशासन हमें सिखा रहा है खुद ना खुद, बच्चे ऐसे नहीं, ऐसे करो तब आपकी बात मानी जाएगी। हम प्रशासन की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, प्रशासन ने हमें सिखाया है ये रास्ते। मेरे एक आपके माध्यम से मैं आम जनता को, आम जनता से माफी मांगता हूँ। हमें एक बार फिर कंपनी बाग पकड़ना पड़ा, एक बार 17 अक्टूबर को हमने पकड़ा था, 2022 को 17 अक्टूबर को हमने ये कंपनी बाग बंद किया था। रात 11-12 के बजे नेगोशिएशन डीप काम के साथ हुई थी, वो फेलियर थी, हमारे साथ छल कपट हुआ, धोखा हुआ, इसलिए आज हमने फिर रिपीट किया। अभी हमारे साथ बात करने वही आएगा जिसके हाथ में कुछ होगा, वरना वो अपनी चेयर पे बैठा रहे, हम अपनी जगह बैठे हैं। जो सिस्टम बंद है, एक आधा सिस्टम और बंद करने की कोशिश हम कर रहे हैं, वो भी सप्लाई स्कीम बंद कर दी। यहाँ से अब पानी बंद कर दिया लोगों को? पानी बंद है, ये बंद है यहाँ से, जहाँ जहाँ सप्लाई जाती है वह बंद रही। हमने पहले मीडिया में कहा था 2-3 स्कीमें जहाँ कोई चौंच रहा हम लोग बंद कर सकते हैं। 10,000 संख्या की उम्मीद थी हमें, उसके पास पास हम पहुंचे हैं। दो जगह लोकेशन दो बाधित हैं, एक बीसी रोड है जे, वो वाला भी कोई नया रास्ता पकड़ेंगे, हमने जे पकड़ा है। पर मैसेज यही है हमारा, हम कोई लड़ाई युद्ध लड़ने नहीं आए, हमारे बच्चों के साथ इंसाफ किया जाए, हम घर जाने को तैयार है। जहाँ एल जी साहब एक आर्डर निकाले हमारा पेंडिंग दे तो हमें छुट्टी करे, हम तब भी जाने के लिए। मगर कोई सोचेगा इन लोगों से सिर्फ जुल्म करके इनसे काम लेना, और जब 60 साल एज हो जाएगी तो हमारे आधार कार्ड दिखाएंगे और हमें घर भेज देंगे, वो नहीं पाप होने देंगे। हम अपने बच्चों के साथ ये जुल्म होने नहीं देंगे, मर जाएंगे बलिदान दे देंगे, मगर बिना हक लिए हम वापस जाने वाले नहीं। ये हमारा प्रण है, ये मैसेज प्रशासन तक क्लियर है। हम लोग बड़े अजीब से अलग किस्म के लोग हैं, विश्वास करते हैं मगर विश्वास पे इतना ट्रस्ट नहीं करते कि लगभग 620 दिन से जितनी नेगोशिएशन हुई वो नेगोशिएशन करने के उपरांत हमने अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा है, क्लोज नहीं किया। इसलिए आज एक बार फिर कंपनी बाग रिपीट, इसके बाद और सोचते हैं क्या हो सकता है, नया करेंगे। एक और बात मैं जानना चाह रहा हूँ, बहुत सारे आपके डेली वेजरों से हमारी बात हुई तो वो कहते हैं कि इस बार इनको लखनपुर पारे पहुंचा देंगे। पहले भी जिन लोगों ने हमारी मांगे नहीं मानी, उनको हमने वोट दिया नहीं, उनके आंखों पे जो पट्टी पड़ी थी वो उतर गई, तो ये पट्टी इस बार भी उतारेंगे आप? बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बात दिखती है, अगर हमारे साथ धोखा छल होता है तो ये वाली सिचुएशन ऑलरेडी आएगी, हमें कहने की जरूरत नहीं है, ये होगा ही होगा। पिछली सरकारों ने भी छल और कब्ज किया है, वो लोग सत्ता से बाहर है। अगर ये प्रशासन भी, ये जो 25 MLA जीते हैं, अगर हमारे हक की आवाज बुलंद नहीं करते तो ये भी बाहर ही है, चाहे वो लखनपुर पार जाए। मैं लखनपुर पार ही भेजूंगा क्योंकि ये अपना ही है, सारा इंडिया ही है, भारत में ही आता है, अदर जगह नहीं भेजते, वो भी पंजाब भी अपना ही है। मगर हमारे साथ छल कपट करने के लिए कोई नया आ सकता है? ये नहीं आएंगे दोबारा। अब आपने अंतिम फैसला ये लिया है कि यहाँ पे पानी आपने बंद कर दिया है, कुछ और पॉइंट भी आप देखेंगे वो भी आप ब्लॉक कर देंगे? बिल्कुल, हमारी चर्चा चल रही है उस पे, हम थोड़ी देर में उस पे काम करने वाले हैं, एक आधी स्कीम और बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर कामयाब रहे तो ठीक है, नहीं तो कंपनी बंद ही है।
ओमनी बाबा बंद है, अगर और कहीं बंद कर सके हम अपने साथियों के साथ बैठ के चर्चा करेंगे। कब तक बंद है ये वाला? तो दो तीन दिन तक तो मान ही चलो, दो तीन दिन तक हम इधर ही बहुत दूर दराज से डोडा किश्तवाड़ बनी बसोली बहुत दूर दराज से लोग आए, इनको घर जाना नहीं, ये बोलते हमको घर नहीं जाना, जहाँ पालसी दे तो जहाँ हमें यहीं रखो, तो अभी ये रहने के लिए आए हुए थे तो रहेंगे इधर ही, खाना पीना खाएंगे तो इधर ही सोएंगे, इसको बंद रखेंगे, रेस्ट देंगे मशीन को, मशीन भी लगातार चलती चलती परेशान हो जाती है, मशीन भी रेस्ट में रहेगी थोड़ी, करेंगे अपने बच्चों के लिए करना पड़ा करेंगे। ये देखें रणनीति में इन्होंने थोड़ा बदलाव किया है और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि रणनीति में बदलाव किया और कंपनी बाग में आकर हमने यहाँ पर पानी वगैरह बंद कर दिया, अब लोगों को पानी जो है वो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ये देखें लेडीज भी यहाँ पर पहुंची हुई है और इनको थोड़ा सा ये समझ रहे हैं कि ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। एक मिनट, अच्छा मुझे अपना नाम बताएं। मेरा नाम नजीरा बेगम, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से रहने वाले हैं हम। डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से आए हैं आज आप? हम आज किश्तवाड़ से आए हैं, इस बार बारी में ये जो बीजेपी सरकार है बहुत अच्छी है, इन्होंने हमें इधर दावत दी है, बड़ी अच्छी सरकार है। यहाँ पे खाना वाना आज आपका यही होगा, बीजेपी की दावत है ये? ओ अगर उनको ऐसा होता था तो पहले से दिया होता, जो हमारा खाना वो नहीं दे रहे हैं तो उनके खाने को क्या करना, हमने जो हमारी डिमांड जो है शुरू से, आप खुद जानते हो मीडिया वाले कब से हमारी डिमांड है, हमारी डिमांड तो दो तीन डिमांड थी और तो कुछ नहीं था, हमें कोई गाड़ी नहीं मांगी थी, कोई बंगला नहीं मांगा था, कोई काली नहीं मांगा था, उन कालजों के लिए जब इनको सरकार को पेमेंट निकलती है तो डेली वेजरों के लिए कौन सा गुना किया है डेली वेजरों, आप खुद जानते हो कौन सा गुना, यही गुना किया है, दिन भर ये काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चे है घर में, 300 कोई घर का पालन पोषण हो जाता है, ये आप खुद जानते हो, जब उनको 15-16 लाख उनको जब सैलरी है, जब उनको पूरा नहीं होता हमें कैसे होगा पूरा, वो तो हमारी वजह से कुर्सियों पे बैठे हैं, हमने तो इसलिए थोड़ी जिताए, हमने जिताए थे अमाम की खिदमत, डेली वेजर इस वक्त सड़कों पे हम दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, मोदी का नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही है, हम रास्ते में बैठे हैं, क्या उनको माँ बहन नहीं है, अगर उनको इतना होता था क्या नारा दे रहे हैं, उनको शर्म नहीं आ रही उनको बोलने में। शुरू शुरू में मोदी साहब आए थे और उन्होंने कहा था डेली वेजरों का मसला मैं हल करूंगा, वो कर नहीं रहे हैं क्यों? अब यही तो हमारा वजह, यही तो हम बोल रहे हैं कि डेली वेजरों ने कौन सा गुनाह किया है, गुना यही किया है कि अमाम की खिदमत करते हैं, पानी पिलाते हैं, 24 घंटे खड़े खड़े होता है डेली वेजर 9300 पे, कौन सा पाल पोषण, कौन सा घर, बर्फ भी होती है, कर्फ्यू भी होता है, कोरोना वायरस भी होता है, हमारा डेली वेजर खड़े खड़े होता है, इतना इंसाफ नहीं इस गवर्नमेंट को मिल रही है, हम बोल रहे थे कि हमने यही किया था कि 25 समय जो जम्मू में हमने जिताए थे, कुर्सियों पे बिठाए थे, हमने बोला था कि जो हमारे डेली वेजर 61,000 डेली वेजर जो है इनको हल हो जाएगा, जो हमारी डिमांड थी, तीन डिमांड हमारी थी, रेगुलेशन पॉलिसी और बकाया वेजन, हमने बोला था यही, हमें और कोई डिमांड नहीं थी इनकी, आप बोल रहे हैं कि मोदी जी आया है वो अनाउंसमेंट करेगा कि डेली वेजरों का मसला हल करके, कुछ हल शल नहीं हो रहे, हमें ऐसे लाली पॉप दे रहे हैं, मगर हम भी वक्त पे इनको लाली पॉप ऐसी देंगे जो इनको उम्र भर याद रहेगी, अगर हमारा मसला हल कर रहे हैं साथ को जो नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, अगर डेली वेजर का मसला हल किया ठीक है, हम कंधे से कंधे मिलाकर साथ में चलेंगे, अगर नहीं किया एक वोट नहीं मिलेगा। ये देखें ये साफ ही कह रहे हैं कि वोट मिलेगा नहीं, अगर आप मसला हल नहीं करेंगे तो कोई वोट नहीं मिलेगा, और यहाँ पर सारे रणनीति में चेंज करके यहाँ पर पानी वानी बंद कर दिया है और ये कह रहे हैं कि अब दो तीन दिन तो ये बंद ही रहेगा, अब कोई बातचीत से कोई मसला हल होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर ये प्रदर्शन अब जारी रहेगा। ये लोग बड़ी दूर दूर से आए हैं और तैयारी के साथ आए हैं, इस बार जाने के लिए नहीं आए हैं, कुछ प्रशासन की तरफ से इनको जो चीजें सिखाई गई हैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उन्होंने सिखाया कैसे झूठ बोलना है, कैसे छल करना है, कैसे ठगना है, पहले बैठ के बातचीत करनी है फिर बातें भूल जानी है, तो इसी तरह से ये भी कर रहे हैं। इन्होंने बीसी रोड में ये प्रदर्शन शुरू किया था लेकिन वहां उनसे बातचीत करके यहाँ से वहां से निकल कर यहाँ आ गए और यहाँ आकर इन्होंने अपना धरना जो है वो शुरू किया है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत, नमस्कार।